बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं नासिर राजा और हमारा चैनल है khabrein.tv.net। जनाब, आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरे बरेसगीर में बल्कि दुनियाई क्रिकेट में एक हंगामा बपा है, और वो हंगामा है T20 का। T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, उसका पहला राउंड ख़त्म होने के बाद उसका जो दूसरा राउंड है जिस पे सारी दुनिया की नज़रें हैं वो शुरू हो चुका है, और जो एक असल मैच है उस पर आपकी भी नज़र होगी और यकीनन होगी। लेकिन वो बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि एक रूहानी बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने क्या कहा है इस क्रिकेट के बारे में, पाक भारत क्रिकेट के बारे में, वो भी आपको अपने आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे कि कौन सी टीम जीतेगी और कैसे जीतेगी। और जनाब, आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच इतवार को 7 बजे दुबई में खेला जाएगा, और दोनों टीमें भरपूर तैयारी में हैं। किसी टीम को आप ये नहीं कह सकते कि वो कमज़ोर है, किसी टीम को ये नहीं कह सकते कि वो अच्छी है। दोनों टीमें बड़ी ज़बरदस्त हैं। जो एक बॉल की कहते हैं ना, जो सयाने हैं, जो नाकदीन हैं, जो माहरीन हैं, वो कहते हैं कि एक बॉल की गेम होती है, एक बॉल पे छक्का भी लग सकता है, एक बॉल पे कैच भी हो सकता है, एक बॉल पे कैच ड्रॉप भी हो सकता है, और एक बॉल पे किलियां भी उड़ सकती हैं। यानी एक बॉल का गेम है, एक बॉल की वजह से ये मैच कहीं से कहीं निकल जाता है। वैसे तो 20 ओवर का मैच इसको कहते हैं। तो जनाब, आपको ये बताएं कि पाकिस्तान का क्यों थोड़ा सा पाकिस्तान को एज हासिल है, इससे पहले कि हम आपको उस बुज़ुर्ग के बारे में बताएं कि जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से पेशन गोई की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत के मैच में पाकिस्तान को इस हवाले से एज है कि पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रेशर होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतना प्रेशर नहीं होता जितना इंडिया पे होता है। इंडिया पे क्यों प्रेशर होता है कि इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उस दिन, जिस दिन पाकिस्तान से वो हारता है, वो गिर जाता है, और इंडिया की ये कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान से ना खेले, भले उनकी टीम कितनी अच्छी क्यों ना हो, भले उनमें सारे 30 मार खान क्यों ना हो, वो पाकिस्तान से ना खेलें, क्योंकि उनको एक खौफ होता है। आपने ये बात सुनी होगी कि एक हिंदू बनिया था जो एक मुसलमान के सीने पर चढ़ा हुआ उसको मार रहा था और साथ साथ रो रहा था। किसी ने पूछा, यार तुम इसको मार तुम रहे हो, रो तुम रहे हो? उसने कहा कि ये अभी उठेगा और मुझे छोड़ेगा नहीं। तो पाक भारत जो मैच होते हैं उसमें भारत की टीम का भी यही हाल होता है कि वो कितनी भी अच्छी है, वो पाकिस्तान से पहलू तय करती है कि पाकिस्तान से ना खेले, पाकिस्तान से किसी तरीके से बचत हो जाए। लेकिन क्या करें, अब क्रिकेट गेम ही ऐसा है, कहीं ना कहीं हमारा टकराव हो जाता है, और हम तो ये भी कहते हैं कि हम भारत में जा के खेलने के लिए भी तैयार हैं, और वो भारत में क्या कहीं भी हमारे साथ खेलने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैं अब आपको ये बताऊं कि उन पे ज़्यादा प्रेशर क्यों है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि वो डरते हैं पाकिस्तान से, दूसरा उनका मैंने आपको बताया कि मईशत की बात होती है, और तीसरी बात ये होती है कि उनकी आवाम का अपने क्रिकेटर्स के खिलाफ बड़ा सख्त रद्द अमल होता है। वो उनके घरों को आग लगा देते हैं, वो बहुत ज़्यादा एहतजाज करते हैं, और आपको पता है कि कई मैच जो भारत में हो रहे थे और वो मैच रोकने पड़े क्योंकि उन्होंने वहाँ पे आग लगा दी, उन्होंने वहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर दी और मैच मुकम्मल ना हो सका। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि आपको पता है कि भारतीय फ़ौज कश्मीर पे बेइंतहा जुल्म कर रही है, कश्मीरियों पे बेइंतहा जुल्म कर रही है, उन्हें बिल्कुल पाबंद सलासल अपने घरों में कर रखा है, और उन पर इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है कि किसी की आँख नहीं है और किसी का जिगर नहीं है और किसी का दिल नहीं है। यानी ज़ख्मी हैं, वो ज़ख्मी हैं बेचारे, सर से लेके पाँव तक ज़ख्मी हैं। कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पर शहादत ना हुई, कोई ऐसा घर नहीं है जिसपे कोई जख्मी ना हो, कोई ऐसा घर नहीं है जिसकी गिरफ्तारी ना हुई हो, और कोई ऐसा घर नहीं है जिसने एहतजाज में अपने लिए आजादी का नारा ना लगाया हो। तो जब पाकिस्तान जीतता है तो आज़ाद कश्मीर के मुसलमान तो उस पर खुश होते ही हैं, उस पर जश्न मनाते ही हैं, बल्कि पूरे भारत के मुसलमान भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस जश्न में शामिल होते हैं, और यूनिवर्सिटियों में तो नारे भी लग गए, आपको पता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है। तो इस वजह से भारत की टीम बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है, उनको ये मालूम है कि अगर हम पाकिस्तान से हारे तो हमारा क्या हशर होना है। जबकि पाकिस्तान पर प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन पाकिस्तान को इसलिए मज़ा आता है कि हर खिलाड़ी की कोशिश होती है कि वो इंडिया के खिलाफ खेले और आज अपने मुल्क का हीरो बन जाए। जो इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छा खेलता है वो उस दिन का या क्रिकेट का हीरो कहलाता है, और माशाल्लाह हमारी टीम नौजवान खिलाड़ियों पे भी मुश्तमिल है, और इसमें तजर्बाकार खिलाड़ियों का भी कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है, और कल मैच से पहले हतमी 11 खिलाड़ियों का ऐलान होगा, यानी एक खिलाड़ी को बिठा दिया जाएगा। और जो माहरीन हैं उनका कहना है कि या हैदर अली या आसिफ उनको शायद रेस्ट दिया जाए, या और कोई खुदा ना खासा कोई अगर और ऐसी फिटनेस का मसला ना हुआ
तो वो मेरा ख्याल है हैदर अली और आसिफ को बिठाएंगे। जी जनाब, तो मैं आपको बता दूं कि वो 12 खिलाड़ी कौन हैं जिनका ऐलान किया गया है, जो जिनमें से 11 फाइनल किए जाएंगे। हतमी टीम का इंतखाब इन 12 खिलाड़ियों में होगा। बाबर आजम है, ये यकीनन ओपनिंग करेंगे और उनके साथ फ़ख्र ज़मान होंगे। और नीचे फिर आसिफ अली हैं, हैदर अली हैं, मोहम्मद रिजवान हैं जो विकेट कीपर भी हैं और बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। इमाद वसीम हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कई मरतबा पाकिस्तान को मैच जितवाने का बायस बने हैं और इंशाल्लाह ताला पहला ओवर ये पाकिस्तान की तरफ से कराएंगे, जो 6 ओवर का पहला फेज़ होता है किसी भी 20-20 मैच का, जिसमें खिलाड़ी अंदर होते हैं सिवाय 2 खिलाड़ियों के, उसके दायरे के अंदर होते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल ओवर होता है। उसमें इमाद वसीम इंशाल्लाह ताला पहला ओवर करवाएंगे। मोहम्मद हफीज़ हैं, बहुत तजर्बाकार खिलाड़ी हैं और बड़े निडर होकर खेलते हैं, बगैर प्रेशर लिए खेलते हैं। शादाब खान भी बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, पूरा एक पैकेज है। ये फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, ये बॉलर भी बहुत अच्छे हैं और ये बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं और दिलेरी से खेलते हैं। इनका शोएब मलिक बहुत सीजन प्लेयर हैं, बड़े तजर्बाकार हैं। हारिस रऊफ बहुत अच्छी बॉल, तेज़ बॉल कराते हैं। हसन अली भी अच्छे बॉलर हैं और शहीन शाह अफरीदी का क्या कहना। इनमें से एक खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाएगा और 11 खिलाड़ी खेलेंगे। और जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दोनों कप्तानों की, उसमें विराट कोहली ने कहा कि हम ये नहीं जानते या इस पे हम ज़्यादा सोच नहीं रखते कि पहले क्या हुआ है, हम कल के मैच पे सोच रखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत है और उसमें पूरे सलाहियतों से खेलेंगे। और बाबर आजम ने भी यही कहा कि हम बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी प्रेशर के इंशाल्लाह ताला खेलेंगे और जीत के लिए खेलेंगे। हमें इस चीज़ का कोई गम नहीं है कि हम हार जाते हैं, हमने ये प्रेशर नहीं लेना। और यही चीज़ें उनको माहरीन ने कही हैं कि इस चीज़ का प्रेशर लिए बगैर कि हम हार जाएंगे, सिर्फ जीत के लिए खेलें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। तो जनाब, मैं आपको पहले ये बता रहा था कि पाकिस्तान को क्या एज हासिल है इंडिया के ख़िलाफ़, यानी इंडिया में तोड़ फोड़ होती है और जो कश्मीरी मुसलमान हैं और जो वहाँ के मुसलमान हैं वो जब फतह का जश्न मनाते हैं पाकिस्तान की, तो उनको इंडिया वालों को बहुत तकलीफ़ होती है और इसलिए उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि कहीं हमारे खिलाफ ये खुशियाँ ना मनाई जाएँ, तो वो बड़े प्रेशर में होते हैं। जबकि पाकिस्तान में ये होता है, हम भी थोड़ी सी गालम गलोच करते हैं लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना टीवी तोड़ देते हैं, अपने बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं कि खबरदार मेरे करीब ना आना, और या खाना नहीं खाते या कोई इस तरह की, लेकिन हम टीम को इतना बुरा भला नहीं कहते जितना वहाँ पे कहा जाता है। तो जहाँ मैं आ रहा हूँ उस तरफ के, एक बुज़ुर्ग ने क्या कहा, एक जो रूहानी पेशवा हैं उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन एक माहरीन ने ये भी कहा है कि जो पहले 6 ओवर्स में अच्छा बग़ैर विकेट खोए अच्छा टोटल दे गया, फिर दूसरी टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा उसको संभालना। और मेरा ख़्याल है फ़ख्र ज़मान और बाबर आजम और रिजवान और ये हमारे पास हफीज़ ऐसे खिलाड़ी हैं जो उठा के भी खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं, और बाबर आजम जो है वो विकेट पे रहना भी जानते हैं। इंशाल्लाह ताला कल हमें भी देखना है और आपको भी देखना है कि कौन ये मैच जीतेगा। तो जनाब, आपको पता है कि जब भी ये मैच होता है पाक भारत का, तो बहुत सारी पेशनगोइयाँ होती हैं और भारत में तो बहुत सारे जादू टोने होते हैं, बाकायदा अपनी टीम के लिए वो जादू टोने करते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पे हमारा भरोसा होता है और अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी होती है। लेकिन इन बुज़ुर्गों ने क्या कहा है, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, इनका नाम है पीर पिंजर सरकार, और इन्होंने कई ऐसी पेशन गोइयाँ की हैं जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच साबित हो चुकी हैं। और एक दिन पहले या दो दिन पहले नहीं, साल साल ये पहले करते हैं पेशन गोइयाँ और कई सालों के बाद वो सच साबित होती हैं। और इन्होंने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये जो अहम मैच है जो कि कल इतवार को 7 बजे पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाना, उसके बारे में इन्होंने कहा है कि जो टीम अब टॉस का आपको पता है बड़ी अहमियत होती है, टॉस कई मरतबा ये होता है कि टॉस हारने के बाद भी एक टीम जो है वो थोड़ी सी हो जाती है, परेशानी का शिकार हो जाती है, प्रेशर का शिकार हो जाती है कि हम टॉस हार गए, अगर हम टॉस जीते तो हमने ये करना था, अगर हम टॉस अब हार गए हैं तो अब ये वो कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी परेशानी का भी शिकार हो जाती है। तो इसलिए हमारी ये भी दुआ है कि अल्लाह करे कि हम टॉस भी जीतें, और हम टॉस हार भी जाएँ तो हमारे हक में वो फैसला हो जो बेहतर हो। तो पीर पिंजर सरकार ने ये कहा है कि जो टीम टॉस जीते या हारे पहले बैटिंग करेगी उसकी वो जीतेगी, पहले खेलने वाली टीम जो है उसके हक में जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं
ये उन्होंने कहा है। और वैसे भी आपने देखा कि पाकिस्तान जब भी पहले खेला तो इसने वो मैच जीता है, और जो पहले खेलता है उसमें उसको एज ये होता है कि वो थोड़ा सा खुद उसके टारगेट नहीं होता ना, इसलिए वो कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाऊँ। तो जब अगर पहले खेलने वाली टीम ज़्यादा रन्स का पहाड़ खड़ा कर दे तो दूसरी टीम फिर थोड़ी सी प्रेशर में आ जाती है कि यार ये मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे, तो वो फिर तेज़ खेलने का कोशिश करते हैं। और अगर डॉट बॉल 3-4 ऊपर थले हो जाएं तो वो प्रेशर का शिकार हो जाता है कि हम शायद बहुत दूर रह गए हैं, तो वो अगली ऐसी गलती करता है जिसमें वो आउट हो जाता है। और जैसा कि मैंने शुरू में ये भी कहा कि ये 20-20 मैच है जिसमें 20 ओवर्स का खेल होता है, अब नाम से ही जाहिर है, लेकिन खेल ये एक बॉल का होता है। एक बॉल इधर चलेगी, छक्का पड़ गया तो आपका स्कोर कहाँ से कहाँ चला गया, एक बॉल पे आपका कैच हो गया तो वो भी आपके लिए नुकसान दे, और एक डॉट बॉल होगी तो वो भी आपके लिए नुकसान दे, और वो अगली बॉल पे आप गलती कर सकते हैं प्रेशर का शिकार होकर। तो जनाब अब देखना ये है कि इस वर्ल्ड कप में कौन जीतता है, कौन अपने सर पे चैम्पियन होने का सेहरा सजाता है, लेकिन फ़िलहाल हम सब की नज़र कल पाक भारत मैच पे है। आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इज्जत अता फरमाए, क्योंकि वही इज्जतें देने वाला है, सब उसी के पास उसकी कब्ज़ा कुदरत में है कि वो किसको सुरखरू करता है। इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।